दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें को डिस्कस करेंगे जिसका साइज 15x35 फिट। 15x35 में बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। एक स्मॉल हाउस डिजाइन है इसका। फ्रंट एलिवेशन की बात करें, डेकोरेशन की बात करें, तो मैंने वेल प्लांट करके दिया है। साथ साथ यहाँ पर इसका और साइड में आपको दो तीन बिल्डिंग या पेड़ पौधे भी दिख रहे होंगे। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाला, बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। अगर आप एक छोटा घर चाहते हैं, कम बजट में घर चाहते हैं, लो बजट हाउस प्लान चाहते हैं और एक फ्रंट एलिवेशन की बात करें वो एक डिजाइनदार या मॉडर्न चाहते हैं, तो आप इस घर को चूज़ कर सकते हैं, इस मॉडल को चूज़ कर सकते हैं। तो इसी को डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन छागर और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं लगातार आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि नए नए मॉडल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। आप वीडियो देख रहे होंगे, नीचे लाल कलर का बटन आता है, इसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो आज का जो प्लान है 15x यहाँ पर जो 35 फिट, उसे पूरा डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। इसमें मैंने सिंगल स्टोरी डिज़ाइन किया है, बेहतरीन सा मॉडल। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें साइड में आपको जो घर वगैरह दिख रहे हैं इनको हटाकर डिस्कस करूँगा। तो देखिए सबसे पहले फ्रंट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको देखिए पार्किंग टाइप की दिख रही है और ये लगभग 2 फिट की मैंने यहाँ गार्डन एरिया छोड़ा है, जो कि जिसमें देखिए फूल वगैरह मैंने लगा रखे हैं। साइड में अगर आपकी जगह है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सभी चीज़ें डेकोरेशन की हैं आप इन्हें छोड़ सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो आपको एक छोटा सा बारंदा टाइप का मिलता है, ओपन एरिया मिलता है ये एरिया। इसमें मैंने देखिए 3 ये आपको पिलर टाइप के खड़े हैं, जो कि डिजाइनिंग के पर्पज़ से ये उसके ऊपर रूफ है। और जो फिर से यहाँ पर एक विंडो, ये देखिए विंडो टाइप का दिया है जिसमें 3 विंडो कंक्लूड है। मेन डोर आपका ये है, जहाँ से आप एंट्री करेंगे उसके साइड में आपका ये आपका मिल जाता है विंडो, जिससे वेंटिलेशन होगा। अब हम एंट्री सबसे बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आप पहुँचते हैं इसके, तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, देखिएगा प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से देखिए। साइड में और बिल्डिंग बनी हुई हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपका एरिया केवल ये है। तो इसमें अगर हम बात करें कलर कॉम्बिनेशन का, तो देखिए वाइट और ये आप जो कलर देख रहे हैं ग्रीन टाइप के, इसका कॉम्बिनेशन मैंने दिया है। मेन डोर ये है, आप जहाँ से एंट्री करेंगे, तो मेन डोर से आप जैसे एंट्री करते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो इसके देखिए सबसे पहले ये रूफ 7 फिट पे डला हुआ है और इसके बाद ये ऊपर विंडो लगा वेंटिलेशन के लिए। तो आप जैसे अंदर जाते हैं तो सबसे पहले ये देखिएगा आपको मिल जाता हॉल टाइप का, और इस कॉर्नर पर आपकी बड़ा सा बेडरूम, उसके जस्ट साइड में किचन, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर 15 फिट एरिया है चौड़ाई की बात करें, तो आपका लगभग 10 फिट का ये किचन और इसके बाद 10 फिट का बेडरूम, 5 फिट का आपका मिल जाता है इसमें किचन, जिसमें कि वॉल भी इंक्लूड है, तो एरिया थोड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से स्टेयर्स आपकी चढ़नी स्टार्ट होती हैं और टर्न होकर वापस आते हैं, उसी के नीचे मैंने लेटरिन बात किया है, बनाया है। इसके बाद फ्रंट में आपको गेस्ट रूम मिल जाता है, बेडरूम मिल जाता है, इसके लिए देखिए डोर मैंने यहाँ से दिया है और एक विंडो बारंदे से दिया है, एक विंडो आपको साइड से दिया है। इसी अगर हम बात करें जो गेस्ट रूम है, उसी में मैंने ये पेंट कर दिया है, जो कि आपका कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे होंगे। तो ये ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम के साथ किचन, लेट बाथ, स्टेयर्स और छोटा सा डाइनिंग हॉल सा मिलता है, और आगे आपको बारंदा जो कि एक बेहतरीन सा लुक दे रहा है आपके घर को, ये मिल जाता है। इसके बाद मैंने पेड़ पौधे, फूल प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं और साइड में 1-2 बिल्डिंग्स भी बना रखी हैं, तो ये आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो। ये आपका 15 फिट का जो एरिया है 15x35 में, ये ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी होता है। लास्ट फ्लोर जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, चारों तरफ 3 फिट का बाउंड्री, फ्रंट में ग्लास का रेलिंग दिया है, साइड में यहाँ पर जो वॉल का रेलिंग बना हुआ है, तो ग्लास के रेलिंग के ऊपर मैंने कुछ पेड़ पौधे और लगा रखे। तो ओवरऑल एक बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है 15x35 फिट में। ये मॉडल आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो 15x35 फिट में है लगभग 500 एरिया के आसपास आपका ये बैठता है, तो आपको इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर ऐसा डेकोरेटेड घर बनवाते हैं तो आपका लगभग 5 से 6 लाख रुपए में घर बन जाएगा, अगर आप इसे बनवाना चाहते हैं। और भी अगर इसका इस्टीमेट चाहते हैं, इसमें कॉस्ट कितना लगेगा, सॉरी इसमें मटेरियल कितना लगेगा, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।